आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, क्या आप एक्टिव हो, क्या आप मॉडरेटली एक्टिव हो, क्या आप वेरी वेरी एक्टिव हो, भाई लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आपको क्या लगता है? भाई जितने लोग हैं जिनको लगता है हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हाथ तो खड़े करिए, हाथ खड़े करिए। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिखेगा भी नहीं, बट देन अगर आपका हाथ खड़ा नहीं भी हुआ है, वैसे उसके लिए भी लोग आलसी हो सकते हैं, सेडेंटरी हो सकते हैं, बट देन लेट्स अंडरस्टैंड कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता क्या है और उससे आपको क्या मिलने वाला है, फायदा नहीं नुकसान मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो क्या नुकसान होने वाला है, सेडेंटरी क्या मतलब, लाइफस्टाइल जिसमें के फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही लाइट होती है, टिपिकली सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज, बाथरूम जाना, बाथरूम के काम करना, वापस आना, नहाना धोना, खुद का कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, खुद का खाना खाना, सो जाना, दैट्स इट। वो है डेली एक्टिविटी, खुद की डेली एक्टिविटी करना इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बस इतना ही करना, नहाना धोना, हगना मूतना, खाना पीना और सो जाना, मन जे काय, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और मॉडरेटली एक्टिव का मतलब क्या, मॉडरेटली एक्टिव मतलब मन जे कि तुम चलते हो, यू वॉक, कितना यू वॉक फॉर अ गुड 2 to 3 miles अ डे, 2-3 mile अ डे या तीन, और उसका एक स्पीड, अब ये देखो माइल्स में आइए, इसको कन्वर्ट खुद कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सो 2 to 3 miles पर डे आपको, या अगर आप वॉक कर रहे हो राइट, और वो भी एक स्पीड में, स्पीड बहुत मैटर करती है भैया, और माइल्स में हम अगर बात करेंगे तो आपको खुद ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को इतना माइल्स का आइडिया नहीं है। सो व्हाट इज इट, उसमें एक स्पीड है, अगर आपकी स्पीड है 3 miles पर डे, तब फिर वो 3 miles पर डे की स्पीड से, तो फिर हम उसको बोलेंगे एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव, नॉट वेरी एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव। और अगर आप मोर देन 3 miles भाग रहे हो या एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हो तो उसे हम एक्टिव लाइफस्टाइल बोलेंगे। सो दैट इज हाउ इट इज राइट। और क्या है, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी तो इशू क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज द रिस्क, हाउ हार्मफुल इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप बहुत देर तक बैठ रहे हो, बहुत देर तक ही क्या, पूरा दिन बैठे रहते हो राइट, तो लाइफस्टाइल वहां प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बस रीडिंग करने के लिए बैठे हो, बातें करने के लिए बैठे हो, खाना खाने के लिए भी बैठे हो, सब काम करने के लिए, मीटिंग के लिए भी बैठे हो, कंसिडर दिस, हाउ मेनी आवर्स अ डे आर यू सिटिंग, कितने घंटे बैठे हो आप, ये जरूर कंसिडर कर लेना। एंड अगर आप 8 घंटे 12 घंटे दिन के बैठ के काम करते हो, सिटिंग जॉब है, और आप फिर अल्टीमेटली घर आके टेलीविजन के सामने भी बैठ रहे हो, और अपने घर में भी डेस्क पे बैठ रहे हो, बेड पे भी बैठ रहे हो, और फिर लेट रहे हो, फोन पे भी, ईमेल, सब कुछ बैठ के काम है, तो लिटरली 10 से कई बार 20 घंटे आप बैठे रह जाते हो, 10 से 20 घंटे तक बैठे रह जाते हो या लेटे रह जाते हो, अल्टीमेटली बेड पे बैठे या लेटे बस 20 घंटे। सो यू बेसिकली हैव अ सिटिंग डिजीज, यू हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सिटिंग डिजीज इज बेसिकली बैठे या लेटे रहना ज्यादा देर तक। इससे क्या होता है, इसमें रिसर्च भी की गई है कि यस, आपके ऑब्वियसली बीमारियों के रिस्क बढ़ेंगे, ये रिसर्च से प्रूवन है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी। 2010 की जनवरी की ब्रिटिश एक्सपर्ट जर्नल में ये आया था, और ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने भी इसको प्रूव किया कि भैया 18% तक आपके रिस्क ऑफ डाइंग ऑफ हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्रीज हो जाता है अगर आप इतना टाइम 10 से 20 घंटे अगर आप बैठे बैठे गुजारते हो तो पूरे दिन में राइट। बिकॉज यू आर मेंट टू मूव, ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्व्ड टू वॉक, टू रन, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दौड़ भागने के लिए बने हो, दांत हाथ पैर चढ़ने के लिए बने, किधर चढ़ोगे, चढ़ते ही नहीं हो राइट। आपका काम है ये नहीं, सिंपल रोडों पे साइकिल तो चलाओ कम से कम, कार में बैठ के या तो ड्राइवर में बैठ के, सिर्फ वो सब कराना आपका काम नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू जस्ट सिट डाउन,
जस्ट सिट डाउन एंड लेट पीपल वर्क फॉर यू, दैट इज अ डिजीज. यू आर मतलब खुद को बीमार कर रहे हो आप, और कुछ नहीं. दैट इज वॉट इज प्रॉब्लम ऑफ सिटिंग टू मच. आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मोटे होते जाओगे, शुगर बढ़ेगा, मोटे हो एक्सेस फैट, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा. मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा. इफ यू आर सिटिंग टू मच, सिंपल, पीठ में इश्यू हो सकती है, आपके डिस्क प्रोलैप्स हो सकते हैं, आपके ऊपर से स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो और ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, राइट. और फिजिकल इनएक्टिविटी इतनी बड़ा रीजन है दुनिया में, अगर हम इसको, ये हिडन रीजन है, हिडन कॉज ऑफ डेथ, लिटरली कॉज ऑफ डेथ है हजारों लोगों की लाइफ स्पैन कम करने का. स्टडीज रिवील करती है कि सिटिंग मोर एंड मूविंग लेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इल हेल्थ, एंड सिटिंग लेस एंड मूविंग मोर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर लाइफ क्वालिटी, बेटर लाइफ स्पैन. क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो? बैठे बैठे थोड़ा बहुत, चल 30 मिनट्स में, एक घंटे में एक बार एक ब्रेक ले लो, बैठो बैठो उठ के चल लो, राइट. किसी से बात कर रहे हो तो खड़े रहो के बात करो, डेस्क खड़ा वाला स्टैंडिंग डेस्क ले लो, ऑफिस में नहीं तो घर में स्टैंडिंग डेस्क ले लो, टेबल हाई चेयर ले लो, हाई टेबल ले लो, समथिंग लाइक दैट. वॉक विथ योर कलीग्स इन मीटिंग्स, राइट. वर्क पोजिशंस को, कई लोग ट्रेडमिल के ऊपर काम करते हैं, पता है आपको, ट्रेडमिल पे चलते चलते कंप्यूटर स्क्रीन रखते हैं, बोर्ड रखते हैं, और काम करते करते कुछ ना कुछ, तो पीपल आर डूइंग दिस नाउ. यस, पीपल आर गेटिंग अवेयर. आप क्या कर रहे हो, राइट. द इंपैक्ट ऑफ मूवमेंट ऐसा है कि आपका, यू विल बर्न मोर कैलोरीज, यू विल लीड टू वेट लॉस इंक्रीज, आपके एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होता है, मसल टोन इंक्रीज होता है, हार्ट माइंड ब्रेन, आपकी खुद की एफिशिएंसी बढ़ती है भैया, एफिशिएंसी बढ़ती है. पड़े पड़े जंग लग जाएगा, जंग, व्हाटएवर यू कॉल इट, लग जाएगा. सो स्टार्ट मूविंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, रिमेंबर दैट, राइट. यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिजीजेस, स्ट्रोक, राइट, कैंसर्स का रिस्क, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी सिडेंटरी लाइफस्टाइल से होती है. बोल चुका हूं, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सिडेंटरी लाइफस्टाइल इज अ बिग प्रॉब्लम. गेट समबडी एक्टिव, जो डिप्रेस्ड है थैंक यू बोलेगा आपको. हो चुका है मेरे साथ, मैं कई पेशेंट्स, जितने डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, मैं दवाई कम करके एक्टिविटी बढ़ाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, एंड दे फील बेटर. दवाई कम करनी पड़ती है स्लोली. सो गेट मोर एक्टिव, राइट. गेट मोर एक्टिव अराउंड योर हाउस, राइट. टीवी रिमोट खुद जाके ले लो, राइट. दूसरों की, अपने पानी जाके खुद ले आओ, मेड्स को मत बोलो, छोटे छोटे काम खुद अपना काम करो, राइट. यू नो द ड्रिल, यू नो द ड्रिल, राइट. यू नो द थिंग्स विच यू कैन डू, फाइंड आउट थिंग्स विच यू कैन डू, राइट. एलिवेटर की जगह स्टेयर्स ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो बैठे रहना इज अ डिजीज एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, देन भैया आपका लॉस है, यू आर लूजिंग, राइट. रिमेंबर दिस, ओके. सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू एंड इट हैज बीन इंक्रीजिंगली वाइड स्प्रेड इन मेनी नेशंस डिस्पाइट the it is has strong linkage, it has been linked strongly to chronic health conditions, but still people need awareness, people need guidance, people need motivation to get active. At least what you should do is you should do at least 150 minutes of moderate physical activity per week. 2.5 ghanta at least aapko pure hafte mein moderately physical activity rehni hai, ya to 1.5 ghanta exercise karo. 1.5 घंटा एक्सरसाइज पूरे हफ्ते में काफी है, या फिर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी पूरे हफ्ते में काफी है. रिमेंबर दिस, ऑलराइट. सो इसमें पता है, एक बहुत खतरनाक रिसर्च आई थी जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में भी सिर्फ 21% एडल्ट्स आर मीटिंग देयर फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस.
एंड ओनली 5% परफॉर्म 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पर डे. सिर्फ 5% एडल्ट पूरी दुनिया में. वेयर आर यू? थिंक अबाउट इट. फिर क्यों ना होगी बीमारी, क्यों ना होगी डॉक्टर के पास विजिट. थिंक अबाउट इट. आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन एंड आस्क योर फ्रेंड्स अ क्वेश्चन बाय शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन.